बिस्मिल्लाम असलामैक खुशाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्या हाल है आप लोगों के थोड़े से सुस्त लग रहे हैं कुछ नहीं होता क्योंकि वीकेंड गुजरा है तो आज पहला वर्किंग डे है तो कोई मसला नहीं जी फुल ऑफ लाइफ आपने अपनी जिंदगी का आगाज करना है मैं कहती हूँ अपने दिन का पहले तो आगाज करें इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमील के साथ इस वक्त हमारे साथ सलमान गनी साहब मौजूद हैं ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं चीफ रिपोर्टर हैं वक्त लाहौर के इनको खुश आमदीद कहते हैं जी वाल ऐसी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अच्छा गनी साहब बहुत सारी न्यूज़ है लेकिन एक न्यूज़ जो सबकी निगाहों का मरकज़ बनी हुई है जी सदर ओबामा का भारत में दौरा अपने हाई टेक डेलीगेशन के साथ आप इस दौरे को कैसे देखते हैं देखें सदर ओबामा जिस सूरत हाल में हिंदुस्तान में गए मैं समझता हूँ कि अमेरिका के एवान नुमाइंदान में उन्हें अक्सरियत नहीं मिली थी वो बड़ी बड़ी एम्बेसिंग पोजीशन में थे और मेरे ख़्याल में जितनी उन्हें भारत में पराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और उन्होंने वहाँ जाकर पाकिस्तान की अहमियत का एतराफ़ तो किया है लेकिन कश्मीर पर बात नहीं की जो इस खत्े में अमन और इसकाम के हवाले से सबसे अम्पॉर्टेंट इशू है।, है और ख़ास तौर तो पर सदर ओबामा अगर आपको याद हो अपनी इंतारी मुहिम में मसला कश्मीर को हल के हल को जनूबी एशिया में अमन की गर्ंटी करार दे चुके हैं और इस जो वस्त मदती इंतबात में उन्हें जो अक्सरियत ना मिलना है और उन पर यह प्रेशर था कि वो अपने दौरे भारत में कश्मीर का जिक्र नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं किया जहाँ तक पाकिस्तान की बात है पाकिस्तान को वो एड देना चाहते हैं लेकिन भारत से उन्होंने ट्रेड किया है जबकि पाकिस्तान का हमेशा से मौक़ ये रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को भी ट्रेड पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे पाकिस्तान को ट्रेड के लिए माहौल फ्राहम करे जो उन्होंने वहाँ पर माहे किए हैं वो ज़्यादातर माहे जो तजारती और दफाई हैं दस अरब डॉलर के करीब उन्होंने तजारती माहे किए हैं और पाँच अरब डॉलर के दफाई मैं समझते हैं कि इसके खत्े पर यकीन असरात मुरतब होंगे और खास तौर पर जो पाँच अरब डॉलर का दफाहीदा है उससे कोई ख़त्ते में पॉजिटिव ये साइन नहीं है चूँकि इंडिया के अपने तोसी पसंदाना अजाइम है और ख़ास तौर पर जो उन्होंने कश्मीर का जिक्र नहीं किया मैं समझता हूँ कि इसके दौरे के असरात ख़ुद भारत के लिए तो बेहतर हो सकते हैं लेकिन इस खत्ते के लेकिन लिए लेकिन जब हिलरी क्लिंटन ने तो पहले कह दिया था कि हम इन मामला में ये आपस के या भारत के और ये पाकिस्तान के मामलाते हैं हमने इनमें नहीं पढ़ना ये तो पहले वो कह चुके हैं है? सावधा कर देखें कर चुके अगर उन्होंने कश्मीर वाले इशू पर नहीं पढ़ना और इस खत्े के मामला में नहीं पढ़ना तो वह फिर पाकिस्तान से दोस्ती के किस चीज़ के दावे हैं अगर ख़ते में अमन और इस्तेकाम नहीं होगा तो वह जो उन्होंने एक जंग शुरू की हुई है जिस जंग की वजह से खुद पाकिस्तान दहशत की लपेट में आया है वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट क्या करते देखिए पाकिस्तान को नित नई प्रॉब्लम्स में वो उन्होंने उलझा दिया है और दूसरी तरफ वो अगर कश्मीर की बात नहीं करते या इस जनूबी एशिया के जो मसाइल हैं या वो भारत पर यह दबाव नहीं डालते कि वो आपस के मतनाज़ा मसाइल बैठकर हल करें तो फिर अमेरिका की पाकिस्तान से दोस्ती किस बात की है देखें अमेरिका ने अपना वजन इंडिया के साथ डाल दिया उनके पंद्रह अरब डॉलर के मुयदे जो हैं खुद पाकिस्तान के लिए चैलेंज और लम्बा फिक्रिया है मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आम तासर यह मिल रहा है कि इंडिया काफी अरसे से यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है और अमेरिका का यह जो सदर ओबामा का दौरा है इस दौरे के अंदर ओबामा की जो आपको बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी लगी आया कि वो अपने इस मकासद में कामयाब इंडिया हो पाएगा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन पाएगा कि नहीं देखें आपने कहा कि सदर ओबामा की बॉडी लैंग्वेज वो अपने वस्त मदती इंतजनी अक्सरियत जो थी वो खत्म करके हिंदुस्तान के दौरे पे आए हैं वो बॉडी लैंग्वेज तो नमाया थी बात यह कि जब वो हिंदुस्तान के दौरे पे आए हैं उन्हें बात ऐसी करनी चाहिए थी जिससे जुनूबी एशिया में इससे जनूबी एशिया में अमन हो हुँ। 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 दुनिया टेलीविजन आज से खसूसी दो दिन की मैराथन ट्रांसमिशन लेके आ रहा है सैलाब के हवाले से जो पूरे पाकिस्तान में दो करोड़ अफराद जो है वो जो इफेक्ट हुए हैं जो बेघर हो चुके हुए हैं उनका बहाली का सफ़र जो है वो कैसे तय करें हकूमत ने जो दावे किए थे जो वादे किए थे आया कि वो निभा भी पा रहे हैं कि नहीं हमारे मुख्तलिफ न्यूज़ एंकर्स हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं सीनियर कॉम्पर्स जो हैं इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं हम उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि पहले क्या सूरत हाल थी क्योंकि जब सैलाब ने स्ट्राइक किया था नरियाज़ को तो तब भी हमने कवरेज की थी स्पेशल, स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन की थी अब बहाली के सफ़र में कहाँ तक ये लोग मौजूद हैं क्या क्या मसाइल हैं जो जिनका इनको सामना करना पड़े फारूक हसन और शाजिया अक्रम हमारे साथ मौजूद हैं जमे फारूक आपको मेरी आवाज आ रही है सुंदस बिल्कुल आवाज आ रही है फारुक इस वक्त आप जमपुर में गालिबा मौजूद है और पहले भी आप इस एरिया को कवर कर चुके हैं थोड़ा सा हमारे नाजरन को और हमें ये बताइए ब्रीफ आउट कीजिए कि बहाली का जो सफर है रिहेबिलिटेशन का कहां तक पहुंचा है लोगों को क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं सुंदस इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं इस खैमा बस्ती में और ये खिदमत खल्क फाउंडेशन की जेर एहतमाम ये बनाई गई है यहाँ पे अफलाई इंसानियत फाउंडेशन जो है वो इसे इस वक्त रन कर रही है यहाँ पे एक डिस्पेंसरी भी है स्कूल भी है और कितनी फैमिलीज हैं सुंदर यहाँ यहाँ पे सॉरी शाजिया फारूक यहाँ पर 933 लोग हैं इस पूरी खैमा बस्ती में अभी जो आप हमारे कैमरा मैन ने आपको दिखाया है हाँ जी है एक के करीब यहाँ पर तकरीबन फैमिलीज हैं और यहाँ पर फला इंसानियत फाउंडेशन नाम है जो इस सारी बस्ती को रन कर रही है इन लोगों के लिए फूड और जैसे कि अब सर्दियाँ भी आ गई हैं इन लोगों के लिए कंबल बच्चों के लिए गर्म कपड़े स्वीटर्स शॉल्स वगैरह सब लोग यही दे रहे हैं यहाँ पर मैं एक बात सुंदर साहब को बता दूँ कि यहाँ के एम हैं शेर अली गोरचानी और एम एन ए है लगारी जाफर, लगारी। जाफर लगारी इन लोगों का यहाँ पर इन uh, कोई अमल दखल नहीं है कोई ये इन लोगों के लिए हेल्प नहीं लेके आ रहे हैं कोई फूड नहीं लेके आ रहे हैं इवन की यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने वतन कार्ड्स का ऐलान किया था इन लोगों को यहाँ पर अभी वो भी नहीं मिले हैं और यहाँ पर प्राइवेटली कुछ तंजीमें हैं कुछ फाउंडेशन है जो यहाँ पर लोगों की हेल्प कर रही है लेकिन यहाँ पे मैं ये एक अच्छी बात आपको बताऊंगी हम सुबह से यहाँ पे आए हैं सुनस और जैसा कि जब हम फील्ड कवरेज के लिए गए थे जब फ्लड्स आए थे जुलाई के एंड में तो हमने प्रॉमिस किया था मैंने जहाँ जिन जिन इलाकों में डीजी खान में पहले भी आया था मैंने इन लोगों से यही बात की थी कि हम फॉलोअप विजिट के लिए जरूर आएंगे आप लोग फिक्र ना करें इंशाल्लाह ताला दुनिया न्यूज़ आपके साथ साथ है और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इस बस्ती में बड़े ऑर्गेनाइज हमें स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पे ये एक पुरानी कोई हाउसिंग सोसाइटी थी जो तामीर हो रही थी और जब ये सैलाब आया तो उसके ओनर से इन्होंने बात की वो फिलहाल रुकवा दी गई है यहाँ पे खेमों बस्ती आबाद की गई है सूरेज सिस्टम यहाँ पे मौजूद है साफ सुथरा वॉशरूम्स का इंतजाम है मर्दों के लिए लहदा है खवीन के लिए लहदा है एक छोटा सा स्कूल है तीन चार खेमों पर मुश्किल लोग हैं वो इन लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं गनी साहब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इस बस्ती कोशिश करूंगा कि अगर हम कैमरा पैन करके थोड़ा सा व्यू दिखा दें यहाँ पे बहुत सारे खेमे लगे हुए हैं और ये पूरी एक खेमा बस्ती है जैसे कि आप बता रहे थे इस वक्त जो सैलाब के बाद की जो हालत है उसके हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगा जैसे अंदरूनी चोट होती है जिसका जख्म तो शायद बाहर नजर ना आए लेकिन वो इस तरह की चोट से ज़्यादा खतरनाक होती है जिसका जखम शायद नजर आ रहा हो जब सैलाब आया तो बहुत से लोगों को हमने देखा डिस्प्लेस थे इमदाद के मंतजर थे बहुत से लीडरान को भी हमने देखा बहुत सी तस्वीरें भी उतरी बहुत से वाकत भी हुए ट्रक्स आए सप्लाई किया गया उन्हें सामान अब अब जब हमने विजिट किया क्योंकि पानी रिसीट कर गया है तो अक्सर जो खेमे हमें उस वक्त पहली दफा जब मैं आया था या दूसरी दफा आया था असल मसला, तो हुआ। हुआ। हुआ असल मसला तो अब शुरू हो चुके हैं असल मसला तो अब शुरू हुआ ना जब पानी उतर गया है बहाल जी का वो असल चैलेंज था जी हाँ बिल्कुल लेकिन गनी साहब वैसे जैसा कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि क्योंकि कई मरतबा लोगों की मेमरीज जो हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं अब अब अगर मैं उसी सड़क पर गुजरूँ जहाँ पर पहले खेमे थे पानी था चढ़ावा वहाँ पर अब खैमे नजर नहीं आ रहे पानी सीट कर गया लोग जो हैं वक्ती तौर तो पर अपने रिश्तेदारों क्योंकि वक्त गुजर गया चले गए तो आम इंसान के जहन में ये ख्याल आ सकता है कि जी चलो मसला हल हो गया लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इतने डीप रूटेड इशूज़ हैं यहाँ पर कई किसान हैं कई लोग हैं जो जमीने काश्तकार जो काश्तकार हैं जो काश्त करते थे उनकी जमीने अगले दो साल तक वो काश नहीं कर सकते फारूक आई एम सॉरी मुझे आपकी बात को इंटरप्ट कर... करना पड़ेगा सॉरी हमने एक ब्रेक लेनी है नाजरीन ब्रेक के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे स्टेट की पॉचिंग जागो दुनिया जादो, जादो,